हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन SDSVM ऑनलाइन क्लास बैठा। ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट क्लास 9th का टॉपिक चल रहा था टिश्यू, और टिश्यू में हम लोग बेसिकली पढ़ चुके थे एस्क्लेरेन्काइमा। एस्क्लेरेन्काइमा के तहत फाइबर की बात हो चुकी थी। आज इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जटिल ऊतक। जटिल ऊतक क्या होते हैं? ऐसे ऊतक जो हार्ड हो और जिनसे कॉमन फंक्शन परफॉर्म कराया जाए। कॉमन फंक्शन का मतलब हो गया कि एक ही प्रकार के फंक्शन, कॉमन फंक्शन। तो उसमें पिछले क्लास में जब क्लासिफिकेशन बताया गया था स्टूडेंट, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को दो भागों में बताया गया था, जिसमें एक जाइलम के विषय में बताया गया था, दूसरा फ्लोएम के विषय में बताया गया था। तो कॉमन फंक्शन वाले में जाइलम सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों रोल प्ले करता है? क्योंकि इसकी एक वजह है, क्योंकि जाइलम जो होता है ये स्पेशल टाइप ऑफ लिविंग सेल है, एज वेल एज डेड सेल, दोनों इसके साथ में एक साथ रहते हैं, लिविंग सेल भी और डेड सेल भी दोनों साथ में रहते हैं। तो जाइलम हैव अ रिस्पॉन्सिबल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल्स को जड़ों से लेकर के, और जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वहाँ तक ये कंडक्ट करता है। ये बात हो गई। उसके बाद स्टूडेंट, इसीलिए इसको वाटर कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। किसको वाटर कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं? जाइलम को वाटर कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। थोड़ा सा यहाँ देखा है, जाइलम इज अ वैस्कुलर एज वेल एज मैकेनिकल टिश्यू। मैकेनिकल भी टिश्यू है। कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स, जिसका कार्य है कि वाटर मिनरल को कंडक्ट करना। ये चार तरह के होते हैं स्टूडेंट। बेसिकली कंसिस्ट ऑफ फोर काइंड ऑफ दिस सेल, चार प्रकार की कोशिकाओं से मिल करके इनका निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है? जाइलम का निर्माण होता है। पहला है स्टूडेंट जाइलम टर्गाइट्स। ये डेड सेल है, एलोंगेटेड है, टैटरिंग इंस। टैटरिंग इंस माने दो अंतः भागों में पाए जाते हैं, और ये लॉन्ग इम्पटी ट्यूब्स की तरह दिखते भी हैं। Their cell walls are very thick and lignified. उसका जो सेल वाल होता है लिग्निफाइड होता है और थिक होता है स्टूडेंट। दूसरी बात कि इसका ल्यूमेन अर्थात पुच्चा जाइलम टर्गाइट्स का ब्रॉड होता है स्टूडेंट। ब्रॉड होने के साथ में नॉन लिग्निफाइड पिट्स भी लगे होते हैं। लोकेशन थोड़ा सा जान लिया जाए जाइलम टर्गाइट्स का, तो लोकेशन मेनली लोअर वैस्कुलर प्लांट्स में, जाइलम जैसे टेरिडोफाइट्स हो गया। उसके बाद से टेरिडोफाइट्स के बाद जिम्नोस्पर्म, बट मोस्टली एब्सेंट इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में स्टूडेंट ये एब्सेंट होता है। दूसरा है हमारा जाइलम वेसल, ये ट्यूबुलर है और ये पाया जाता है सेल के अबव में। और यह बेसिकली जाइलम एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। हर जाइलम वेसल स्टूडेंट एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। वीडियो को रोक रोक करके ध्यान से पढ़ेंगे और लिखेंगे भी। एंजियोस्पर्म, लेकिन ये जाइलम जो है जाइलम वेसल बेसिकली एब्सेंट होता है टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में,
इसका भी कार्य है कि वाटर वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करना और मैकेनिकल सपोर्ट देना। तीसरा है स्टूडेंट जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर्स फाइबर तुम लोग पढ़ाए गए थे कि टैपरिंग एंड पर ये रहता है, ये बात पहले ही चर्चा हो चुकी है। दे आर स्क्लेरल काइमेटस सेल। ये स्क्लेरल काइमेटस पहले ही बता दिया गया था डेड सेल के विषय में। तो दे आर ऑल्सो वुड फाइबर्स, इसको हम लोग वुड फाइबर्स भी बोलते रहते हैं क्योंकि ये हार्ड होता है। और इसका मेनली लोकेशन डाइकोटिलेडन प्लांट्स में पाया जाता है। फंक्शन में है दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, मैकेनिकल सपोर्ट करता है पौधों को और पौधों को ग्रोथ कराता है। लास्ट है स्टूडेंट जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा के विषय में बात करें तो उसको वुड पैरेन्काइमा भी कहते हैं, लिखा हुआ है बोर्ड पर भी, क्योंकि ये लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल से बने होते हैं और थिन सेलुलोज वाल होती है। ये वीडियो को रुक रुक करके पढ़ेंगे और प्रेजेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम। ये बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम में प्रेजेंट होते हैं और साथ में लोकेशन के हिसाब से देखें तो ये पैरेन्काइमेटस सेल भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पैरेन्काइमा दिया गया है तो ये पैरेन्काइमेटस सेल भी होगा। फंक्शन में बात करें तो दे स्टोर फूड ऑफ कंडक्शन ऑफ वाटर, फूड को स्टोर करना, कंडक्शन ऑफ वाटर उनका कार्य है, कंडक्शन ऑफ वाटर कंडक्ट करना। तो ये हो गए स्टूडेंट, अगले वीडियो में हम लोग फ्लोएम टिश्यू के विषय में पढ़ेंगे, वो भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का बी पार्ट होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।